हेलो लिसनर्स, वेलकम टू वॉइस विद राज। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। आज जिस बुक के बारे में बात करूंगा, इसके तीन पार्ट लिखे जा चुके हैं भाई अमीश, जिसका पहला पार्ट है मिलुहा। मिलुहा एक ऐसे गांव, एक ऐसे बस्ती की कहानी है जहां पर आप समझेंगे कि कैसे शिव नाम का एक कैरेक्टर बचाता है वहां पे बहुत सारे बुरे चीज़ों से, बुरे दुश्मनों से, बुरे जो आप कहते हो दानवों से, दैत्य से, जो पुराने ज़माने में होते थे। ये कहानी हम सब के अंदर है और इससे ये पता चलता है कि हमारे अंदर दो तरह के कैरेक्टर रहते हैं, पहला शिवा और दूसरे दानव। कैसे हम शिवा को ज़्यादा आगे ला सकते हैं और अपने दानवों पर जीत हासिल कर सकते हैं। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे काफ़ी इंसाइटफुल लगी और इसके अंदर काफ़ी कुछ था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इतना लंबा बुक है कि आई कैन नॉट यू नो एक्सप्लेन इन डिटेल, वरना 3-4 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। सो आई विल जस्ट ट्राई टू कंपाइल द लर्निंग इन 3-4 बेस्ट लर्निंग, जो आपके लिए लाइफ लेसन हो, जो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग हो, जो आपको कुछ सिखाए कि शिवा कैसे चीज़ों को बदलते हैं और अगर हम चाहें तो हम भी अपने अंदर के शिवा को जगा सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बुक इंटायरली एक फिक्शनल स्टोरी है, मतलब एक रची हुई कहानी है, बिल्कुल सत्य नहीं है, लेकिन एक कैरेक्टर के अराउंड है जिनका नाम है शिवा और उसमें से पहला पार्ट है मिलुहा। ये कहानी बताता है कि कैसे जो मिलुहा वासी होते हैं, जो काफ़ी अच्छे होते हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, जहाँ पे अच्छाई होती है, उनका एक बार बहुत ज़्यादा यू नो वॉर जैसा माहौल, लड़ाई जैसा माहौल बन जाता है विद चंद्रवंशी या नागा कह लो, जिनसे होता है। और इसके थ्रू पता चलता है कि कैसे लड़ाई में जीत तो शिवा की ही होती है, बट इस लड़ाई के प्रोसेस में कितना कुछ शिवा सीखता है, कितना कुछ शिवा बनने की कोशिश करता है, क्योंकि शिवा भी शुरू में एक नॉर्मल सा इंसान रहता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों को समझने के बाद ही ये समझ पाता है कि उसके अंदर भी बहुत कुछ पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पावर है दुनिया को बदलाव की तरफ ले जाने के लिए। और इस पर मुझे एक बहुत प्यारी लाइन याद आई इस बुक से, शिव इज़ ट्रुथ, शिव इज़ ब्यूटी, शिव इज़ मैस्कुलिन, शिव इज़ फेमिनिन, शिव इज सूर्यवंशी एंड शिव इज चंद्रवंशी। तो चलो फिर बिना किसी देरी के इसके टॉप 4 लर्निंग्स को देखते हैं जो आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। पे अटेंशन क्लोजली। लर्निंग नंबर 1, इसको समझने से पहले शिवा को समझो। आप जो शिवा रहता है वो नॉर्मल सा लड़का रहता है जो मिलुहा में रहता है, उसको अपना पोटेंशियल नहीं पता होता, वो वही हरकतें करता है बच्चों वाली, सबसे लड़ाई झगड़ा, अपने पोटेंशियल को नहीं जानता है, हर बचकांड वाली हरकत करता है। लेकिन उसको पता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा यूनिक सुपर पावर छुपा है, जो वो समझेगा तो दुनिया में बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकता है। और बहुत से गुरुओं ने पहले बता दिया था कि ये बच्चा कुछ कमाल करेगा, लेकिन जब तक ये अपने पोटेंशियल को पहचानेगा नहीं, ये आगे निकल कर नहीं आएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं हनुमान जी के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था पूरी नदी को पार करके लंका पहुंचने का, लेकिन वो बोलते थे मुझसे नहीं हो पाएगा। तब उनको याद दिलाया गया कि तुम में कितना ज़्यादा बल है, तुम कैसे नाप सकते हो पूरी समुद्र को लंका जाने के लिए। और उन्होंने फिर अपना पोटेंशियल पहचाना और कितनी आसानी से लंका पहुँच गए। और इसी तरह शिवा भी शुरू में अपनी ताकतों को, अपने वरदानों को नहीं समझ पाता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जब समझता है तो एक भयानक बदलाव आता है। वो शुरू में सोचता है कि मैं बदलाव क्यों लाऊं, सब कुछ तो ठीक ही जा रहा है, अच्छे से मुझे खाना मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब उसको याद आता है कि मेरा कोई ड्यूटी है, मेरा कोई धर्म है, मैं किसी पर्पस से यहाँ पे जन्म लिया है मैंने, तब वो उसके पीछे पड़ता है और फिर उसके पोटेंशियल, उसका पावर निकल कर आता है। तो लर्निंग ये है कि चेंज इज़ ओनली कॉन्स्टेंट, मतलब आप चाहो ना चाहो बदलाव तो आएगा। शिवा ने बोला मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन उसको माहौल ने, जब चंद्रवंशी नागास अटैक कर रहे थे मिलुहा वासियों के ऊपर, बहुत तरपाते थे, बहुत उनको परेशान करते थे, तब शिवा को अपना पावर पता चला। लेकिन कैसे ना कैसे पता तो करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, अदरवाइज आप भी समय के साथ पीछे होते चले जाओगे। लेकिन जिसने भी बोलते हैं ना चेंज को पहचान लिया, बदलाव को पहचान लिया, वही ज़िंदगी में आगे जाता है। चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका कोई भी प्लानिंग हो, जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे चेंज इज ओनली कॉन्स्टेंट, बदलाव को कभी टाला नहीं जा सकता, सब कुछ उसके आसपास घूमता है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि शिवा ने किया अपनी शक्तियों को पहचानकर और मिलुहा वासियों को जीत दिलाकर चंद्रवंशियों के ऊपर। लर्निंग नंबर 2, जब बात बहुत बिगड़ गई थी नागास और सूर्यवंशी के बीच, सूर्यवंशी मिलुहा वासी के लोग थे जो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जब उनका बहुत ज़्यादा तनाव भिड़ चुका था उन लोगों के साथ जो चंद्रवंशीस थे, और अंत में वो ये सोच रहे थे कि क्या मुझ में इतना दम भी है कि मैं ये कर पाऊँगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा, और ये कहीं ना कहीं सही भी था।
तो यहाँ पे लर्निंग ये है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। उनको फिर कुछ लोगों ने, जो कि मिलुहावासी के कुछ और अच्छे अच्छे लोग थे, थोड़े सेनापति थे, थोड़े मजबूत लोग थे, उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं शिवा, क्योंकि ये जान की क्या वैल्यू अगर मैं इसको यूज ना करूं अपने देश की सेवा के लिए। बहुत लोग उनके आगे निकल कर आए, तो फिर शिव का भी हौसला बढ़ा कि जब ये लोग पीछे नहीं हट रहे तो मैं कैसे पीछे हट जाऊंगा। और सब ने मिलकर सामना किया, सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी और सब ने मिलकर जीत हासिल की। तो इसकी लर्निंग हमेशा यही सिखाती है कि हमेशा हमें साथ रहना है। भले आज की सोसाइटी आप देखते हो कि सोशल मीडिया ने हर जगह फैला रखा है इंडिविजुअलिज्म, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे कोई चाहिए नहीं चाहिए, मुझे बस पैसा चाहिए। नहीं, ये सब गलत फैल रहा है, ये बहुत गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आप समझो हम अंत में एक जानवर ही हैं, सामाजिक जानवर। हमारा नाम ही है सोशल एनिमल, इसका मतलब सामाजिक जानवर। तो हमारा मकसद ही है कि हम लेकर सबको चले साथ में, एक दूसरे के साथ मिलकर चले। हम हजारों साल से एक साथ ही रहकर आए हैं छोटे छोटे ट्राइब्स और बस्ती में। आज सडन सब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया, सब अलग अलग रहना शुरू कर दिए हैं, दैट इज़ गुड। बट इस चीज़ को आप वो मत बनाओ कि मैं अकेले लड़ लूँगा। नहीं, जब भी कोई खतरा आता है, जब भी कोई विपत्ति आती है, तो सबसे पहले हमें अपनी फैमिली याद आती है, हमें अपने रिलेटिव्स याद आते हैं, हमें अपने सबसे जिगरी मित्र और पड़ोसी और आसपास के लोग सारे याद आते हैं। तो ये मत भूलना कि मैं अकेला बहुत मजबूत हूं, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। नहीं, जब मुसीबत आती है ना तो पूछ कर नहीं आती, इसीलिए बोलते हैं मिलकर खेलो। और शिवा ने भी यही दिखाया कि चाहे मेरे अंदर कितना भी पावर है, लेकिन जब तक मैं मिलकर नहीं खेलूंगा, सबके साथ मिलकर नहीं लड़ूंगा, तब तक वो जीत नहीं मिलेगी जो मैं वाकई में चाहता हूं हर मेलुहावासी के लिए। लर्निंग नंबर 3, जब युद्ध का पैमाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बीच, मतलब मेलुहावासी और नागास के बीच, तो शिवा ने पहले तो सूर्यवंशी की सुनी, क्योंकि सूर्यवंशी बोलते थे हमें बहुत डर पाया जाता है, हमें बहुत मारा जाता है, हमें बहुत सताया जाता है, शिवा कुछ करो आप। तो शिव ने एक साइड तो सुन लिया था सूर्यवंशी का, लेकिन जब फाइट में बहुत लोग चंद्रवंशी मारे जा रहे थे, तब एक बार उनको मौका मिला चंद्रवंशी के किसी सेनापति को सुनने का, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो बस एक सिक्के के पहलू को सुन रहे थे। उनको पता चला कि चंद्रवंशी भी पूरी तरीके से गलत नहीं थे, उनके पास भी कोई मजबूरी थी तभी वो ऐसा कर रहे थे। तब जाके उनको पता चला कि चाहे कोई कितना भी बुरा हो, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, उसका सिर्फ एक पहलू कभी नहीं देखना चाहिए। और लर्निंग भी यहीं पर यही है कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं। तो जब भी कोई लाइफ में आप डिसीजन लें, जैसे कि शिवा ने लिया, एक बार बस एक पार्टी को ही सुना, लेकिन इससे बहुत चीज़ें खराब हो गई। जब उन्होंने दोनों को सुना, तब जाके वो अच्छे से आंसर निकाल पाए और दोनों की बराबरी पे अच्छे से मदद कर पाए। इसी तरह आपको ज़िंदगी में जब भी कोई डिसीजन लेना है, चाहे आपको दुनिया कुछ भी बोले कि अरे यही सच है, न्यूज़ कितना भी फैलाए, प्रोपोगंडा कितना ही फैलाया जाए, अरे नहीं यही सच है, ज़्यादा पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ये वो, मत फंसना। थोड़ा रुकना, सोचना, अपने दिमाग को चलाना और दोनों पहलू को देखना, क्योंकि बहुत बार दूसरा पहलू बहुत छोटा होता है और हमें लगता है कि हम ये देखें ही क्यों, ये तो हमारा समय वेस्ट करेगा, ये तो सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे लोग तो इसको मान रहे हैं। क्योंकि हो सकता है एक साइड 90% लोग मानते हो, एक साइड 10% ही मानते हो, लेकिन बहुत बार 10% का भी पलड़ा बहुत भारी हो जाता है। जैसे कि आप जानते हो कि एक बंदूक से इंडियन आर्मी पूरे देश की मदद करती है, बचाती है टेररिस्ट से, लेकिन उसी बंदूक से एक टेररिस्ट बेगुनाह लोगों की जान ले लेते हैं। मतलब क्या है, बंदूक की यहाँ पे गलती नहीं है, गलती ये है कि उसको कैसे देखा जा रहा है, उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है। इससे किसी की सेवा किया जा सकता है, इससे किसी को बचाया जा सकता है और इससे किसी को, बेगुनाह को मारा भी जा सकता है। तो हर बार दोनों पहलू को देखें ताकि आप डिसीजन अच्छे ले पाए। अभी आप यंग हैं, मेरे सारे लिसनर्स अभी यूथ हैं, तो आप भी बहुत सारे डिसीजंस लेने वाले हो, करियर के, यू नो, शादी के, मनी के, चॉइसेस एंड ऑल। तो बहुत सतर्क होकर हर पहलू को देखना है, कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, फिर डिसाइड करें कि क्या मेरे लिए बेस्ट है। लर्निंग नंबर 4, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, प्यार के ऊपर। इस पर भी शिवा और सती के प्यार को दिखाया जाता है कि सती शिव की भक्त होती है, शिव की दीवानी होती है, और शिवा भी सती से उतनी ही मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और उनके कनेक्शन को दिखाया जा सकता है। जैसे कि हम सब एक कहानी भी जानते हैं कि सती जो शिवा को पाने के लिए कितना प्रतिज्ञा करती है, और शिवा उनको अंत में मिल भी जाते हैं, लेकिन सती के पिता दक्ष, राजा दक्ष, बहुत ही जल्लाद होते हैं। उनको लगता है कि शिवा ये तो सही से कपड़े भी नहीं पहनता, ये तो योगी है, ये तो भंगी है, ये तो सिर्फ चिल्लम फूंकता है, ये तो कोई काम का नहीं है, ये मतलब सिर्फ राक्षसों भूतों के साथ रहता है, कोई सभ्य समाज में नहीं रहता, ये इसके साथ मैं अपनी बेटी का शादी नहीं करूँगा, क्योंकि सती बहुत सुंदर थी। लेकिन राजा दक्ष को ये दिक्कत था कि सती तो प्यार कर बैठी थी शिवा से,
लेकिन राजा दक्ष की चली नहीं, क्योंकि सती तो प्यार कर चुकी थी, अब उनको शिवा के साथ रहना था और शादी भी करा दी गई जैसे तैसे। और जब शादी भी हुई तो शिवा अपने भूतों की टोली लेकर आए, बहुत कुछ ऐसा हुआ, आपको ये कहानी आपने सुना भी होगा। लेकिन एक बार की बात है, जब राजा दक्ष एक बहुत बड़ा हवन करवा रहे थे तो सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन शिव को नहीं भेजा, क्योंकि उनके वही जैसे वो दिखते थे, जैसे वो भंगी थे, जैसे वो भूत प्रेतों के साथ रहते थे, राख लगाते थे, सर्प को गले में लगाते थे, वो बोलते थे नहीं नहीं ऐसा इंसान मेरे पावन हवन में नहीं आ सकता। तो सती तो शादी कर चुकी थी, अब शिवा के घर की वो अर्धांगिनी थी तो वो भी नहीं जा सकती थी उनके साथ। तो जिस दिन हवन था उस दिन शिवा ने मना किया कि मत जाओ, राजा दक्ष ने नहीं बुलाया है तो क्यों जा रहे हो आप। लेकिन दक्ष के प्यार, क्योंकि वो पिताजी थे उनके, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो गलती से नहीं बोले होंगे, मैं जाती हूँ, आप मत आओ, आप रहो, मैं आती हूँ उनके पास। से वो गई, बहुत धूमधड़ाके से गई, बहुत अच्छा की। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उनका स्वागत उस तरह से नहीं किया गया, इवन उनके पिताजी भी उनके स्वागत उनका अच्छे से नहीं किया, बहुत बुराई की, बहुत नीचा दिखाया, तुम आई कैसी यहाँ पे, तुम तो अघोरी हो, तुम नहीं रह सकती, तुम जैसे तैसे लोग साथ रहती हो, मांस मदिरा ये सब करती हो, भूत प्रेत इन सब के बीच रहती हो, तुम इस पावन हवन में नहीं आ सकती। और बाकी सब लोग भी हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, और ये सती से देखा नहीं गया। और इस चीज़ का पश्चाताप करने के लिए, इस चीज़ का बुरा जो फील हो रहा था उनको, वो जलती चिता में कूद पड़ी। और जब वो जिंदा जलने लगी और ये बात शिव तक पहुंची, शिव बिल्कुल त्राहिमाम मचाने लगे, शिव से नहीं रहा गया, क्योंकि शिव सती से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे जितना सती उनसे करती थी, और ये नहीं देखा गया। तो वो वहीं पहुंच गए और अपनी चलती सती को हाथ में उठा लिया और तांडव अपनी तीसरी आँख खोल कर करने लगे। पूरी धरती पर प्रलय आ गया, बहुत कुछ तबाही मचा उस वक्त। और जब उस सती को लेके वो तांडव कर रहे थे तो वो रुक नहीं रहे थे, वो बिल्कुल ही अपना कॉन्शियसनेस खो चुके थे, वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ, कैसे इस चीज़ को मैं अपनी सती को वापस जिंदा करूँ। तो उस वक्त सब लोगों ने विष्णु भगवान से गुहार लगाई, हे विष्णु देवता आप कृपया करके कुछ करिए, वरना ये शिव पूरी दुनिया का सर्वनाश कर देंगे। आज शिव बहुत गुस्से में है, अपनी तीसरी आँख तक खोल चुके हैं। तब विष्णु भगवान के दिमाग में एक आइडिया आया कि ये अगर नहीं रोका गया तो वाकई में ये धरती का विनाश हो सकता है। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया और सती के 52 टुकड़े कर दिए। उस 52 टुकड़े पूरे देश में फैले हुए, जिनको आज हम शक्ति पीठ से जानते हैं। तो ये है कुछ कहानी जिसके थ्रू ये पता चलता है कि शिवा और सती का प्यार कितना गहरा था। जो शिवा शांति के प्रतीक है, जो शिवा कभी कुछ बोलते नहीं है, जो शिवा शांत बैठते हैं, जो शिवा सिर्फ अपने में खोए रहते हैं, चिल्लम फूंकते हैं, शांत बैठते हैं, अपने लोगों के साथ बैठते हैं, योगा करते हैं, आज वो शिवा अपना कंट्रोल खो देते हैं और इतनी बुरी तरह खोते हैं कि पूरी दुनिया को पछताना पड़ता है। तो ये दिखाता है कि प्यार कुछ भी करवा सकता है, और इस तरह का प्यार अगर किसी से आपको है तो यू आर वेरी लकी। तो लर्निंग यहाँ पर ये है दैट लव एंड रिस्पेक्ट गो हैंड इन हैंड। प्यार जब आपको किसी से करना है तो बहुत करना है, लेकिन जब रिस्पेक्ट पे उसकी बात आ जाए तो फिर तो नहीं सुनना है, क्योंकि प्यार किया है तो उसको निभाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था टॉप 4 लर्निंग्स। आपको बहुत मज़ा आएगा जब इस किताब को आप पढ़ोगे, बहुत ही फन लर्निंग है, बहुत ही ईजी लर्निंग है। फिक्शनल कहानी की तरफ को पता चलेगा कि इंडियन माइथोलॉजी कितनी स्ट्रांग है हमारी और कितना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको अगर कुछ सीखने को आज मिला है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर कर देना, कहीं भी सुन रहे हो या देख रहे हो तो फॉलो या सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार को भी आपको मौका मिले तो मिस ना करो, आपके पास सबसे पहले ये हमारा वीडियो या ऑडियो पहुंच जाए। आप चाहो तो शेयर कर सकते हो, क्योंकि उसकी अच्छी क्वालिटी वाली समरी बहुत कम ही मिलती है, तो सबको बताना शेयर करके। चलो फिर मिलते हैं किसी दमदार बुक के साथ अगले वीक, या आप कोई मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। तब तक के लिए लॉकिंग आउट।